जो R15 V4M और रॉयल एनफील्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइडर। सुबह तो कैसे हैं आप लोग? आए बड़े हो गए, बड़े है ना, तो गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं लेकर आया हूँ एक डैगरेस जो R15 V4M और रॉयल एनफील्ड हंटर के बारे में होगा। तो ये तो एक स्पोर्ट्स टूरर या क्रूजर बाइक है और एक सुपर स्पोर्ट है, दोनों का तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। बट हम लोग एक फ्रेंडली रेस करने वाले हैं, कोई ऐसा या जीतने वाला हारने वाला बात नहीं है। और ये है डोगो, डोगो तो इसके R15 V4M है आप जानते हो। तो आज इसके साथ एक फ्रेंडली रेस करने वाले हैं और देखते हैं गाइज ये जो हंटर 350 जो रॉयल एनफील्ड से नया है वो R15 को बीट कर सकता है क्या, क्योंकि इसका जो पावर है 18.4 bhp है और उसका 20 bhp है और टॉर्क भी लगभग उसका टॉर्क ज़्यादा है 27 mm, इसका 14 पॉइंट कुछ mm आता है। तो टॉर्क तो उसमें ज़्यादा है क्योंकि एक क्रूजर बाइक है पहाड़ टहाड़ चढ़ने के लिए। एंड हंटर का इग्निशन सिक्वेंस भाई को स्टार्ट कर, इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हम लोग। गाइस इसका तो बुलेट जैसे आवाज है। R15 का मीटर सीक्वेंस। हेलो गाइस, एक बार R15 का एग्जॉस्ट का साउंड सुना देते हम लोग। गाइस इसका डीबी किलर जोगो ने क्या किया भाई, वो काट के पूरा साउंड निकलने के लिए पूरा काट दिया भाई, इसीलिए ऐसा आवाज आ रहा है। और एक बार सुन लो भाई, पुलिस पकड़ लेगा भाई। चलो गाइस मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे और लगाते हैं इसका दोनों को रेस। आज तो इस दोनों का धागा खींच देंगे गाइस, तो देखते हैं गाइस। चलो गाइस, तो अभी हम मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे आ गए और मैं चला रहा हूँ हंटर 350 और जोगो चला रहा है R15 V4M। और ये कोई लॉन्ग रेस नहीं होगा, एक शॉर्ट रेस होगा जो ड्रैग करने के लिए 2-3 गियर में देखेंगे कि कौन किसका पोटेंशियल ज़्यादा है और उसके बाद एंड पे जाएंगे। उसके बाद फिर से एक मैं चलाऊंगा R15 V4M और वो चलाएगा हंटर, तो राइडर स्वच करके एक बार देख लेंगे किसका पावर है किसकी। उसका वेट से मेरा वेट 15 kg ज़्यादा है, तो इसीलिए वेट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं गाइज इस रेस में। तो गाइज देखते हैं, इसका वेट भी ज़्यादा है, उसका वेट कम है, उसके क्विक शिफ्टर है, इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। तो गाइज चलो देखते हैं गाइज ये रेस कैसे होता है। ऐसे गाइज चलो मिलते हैं गाइज रेस पे। तो गाइस R15 भीपो ने थोड़ा मौका दिया इसीलिए निकल गया, बट अभी ये पकड़ नहीं सकता। तो गाइस ये कॉन्जेस्टेड एरिया है इसीलिए ज्यादा तो रिस्क नहीं ले सकते, बट इतना तक ठीक है। चलो गाइस अभी मैं R15 M पे और जोगो चला रहे हंटर 350। तो गाइस चलो इसका ड्रैग करते हैं। 3 ऑन, हाँ रेडी रेडी। जोगो मीटर पे देखो पीछे है, आ निकल गया। स्पोर्ट्स बाइक है ना, तो अलादा ही रोला है भाई इसका। आप सबने देखा ना कि हंटर 350 और R15 का रेस, तो ये तो एक क्रूजर बाइक है इसीलिए थोड़ा पीछे था और इधर रोड का कंडीशन भी ठीक नहीं है, सिंगल वे है, इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, तो इसीलिए पूरा पोटेंशियल तो चेक नहीं कर पाया। जिस दिन पापुआ धाबा कुछ दिन राइड होगा
उस दिन इसका फुल पोटेंशियल चेक करेंगे। बट आज के लिए इतना ही था, क्योंकि ये गांव का रोड है, ज़्यादा हम लोग रिस्क भी नहीं सकते। जाओ, कैसा लगा रिस्क करके? अच्छा। मशीन बढ़िया थी। ये हंटर अच्छा है या तेरा आर एम फाइव अच्छा है भाई? कौन सा स्मूथ है? और तेरा आर एम फाइव वो भी है? तो हंटर चला के उसका आर एम फाइव से थोड़ा दिल टूट टूट जा रहा है, तो हंटर के उस तरफ दिल आ रहा है, क्योंकि वो बहुत झुकना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा उसका प्रॉब्लम होता। बट ठीक है, वो स्पोर्ट्स गाड़ी है, उसका तो हैंडल पोजिशन ऐसे ही होगा। तो गाइस कमेंट करके बताना कि कैसे लगा रेस हंटर 350 और आर एम फाइव का। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। तब तक के लिए सबको सेफ रखिए, खुद भी सेफ रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।